बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 14th लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 6। चैप्टर है 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सीरीज़ सर्किट्स को स्टडी किया था। सीरीज़ में करंट को पास होने के लिए सिर्फ वन पाथ मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो पूरा जो है कोई बाकी कोई भी चीज़ जो है वो ऑन नहीं होगी, सब बंद हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल सर्किट, पेज 59। बेटा पेज अपनी बुक से देखें, बुक ओपन करें, पेज 59। ये है पैरेलल। पैरेलल में जो है करंट को पास होने के लिए एक से ज़्यादा पाथ मिलते हैं। अगर 2 लगा देंगे, 2 पैरेलल, 3, 4, इस तरह एक से ज़्यादा पाथ करंट पास होने के लिए मिल जाते हैं। बुक देखें बेटा, पेज 59 अपनी बुक से देखें। मैं रीडिंग करता हूँ, आप अपनी बुक ओपन करें। मैनी मोटरवे हैव 2 or more लेन्स इन ईच डायरेक्शन। एक या ज़्यादा लेन होती हैं, तो इसका मतलब है गाड़ियों को गुजरने के लिए ज़्यादा जो है वो स्पेस मिल जाती है, ज़्यादा लेन। इसी तरह इसमें भी, करंट में भी, दीज लेन्स रन पैरेलल, पैरेलल चलती हैं आपस में, ईच अदर, सो ट्रैफिक कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग मोर देन वन पाथवे। एक से ज़्यादा पाथवे से जो है वो ट्रैफिक चलती। इसी तरह पैरेलल सर्किट में भी एक से ज़्यादा पाथ मिल जाते हैं करंट पास होने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट दैट प्रोवाइड मोर देन वन पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर कॉल्ड पैरेलल सर्किट्स हैं। एक से ज़्यादा पाथ अगर करंट फ्लो करने का मिले तो उसको पैरेलल। डायग्राम देखते हैं वन में, पेज बेटा 59 ही है। अब ये देखें, दिस डायग्राम शो अ सर्किट विथ 2 बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पैरेलल है, यहाँ से तो एक ही रास्ता आ रहा है करंट का, यहाँ से 2 हो जाते हैं। अगर ये इसमें स्विच बल्ब ऑफ होता है तो यहाँ से करंट पास होगा, ये ऑन होगा। ये अगर ऑफ होता है तो यहाँ से पास होगा, ये 2, 1 और 2 पाथ मिलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देख लें, व्हेन द स्विच इज क्लोज, स्विच अगर क्लोज करते हैं यानी कि करंट ऑन होता है, बोथ बल्ब लाइट, दस स्विच इज इन दिस पोजिशन कंट्रोल्स बोथ बल्ब, दोनों को कंट्रोल करता है। अब थर्ड डायग्राम में आ जाएं, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज, एक अगर बुझ जाता है, द अदर बल्ब स्टे ऑन, दूसरा ऑन रहेगा, देयर इज स्टिल अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अनडैमेज्ड बल्ब। ये सपोज अगर डैमेज हो गया तो यहां से ये देखें करंट इसमें से पास होगा, तो उसके लिए पाथ अभी मौजूद है। इसका ये हमारा पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब है पैरेलल ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर एक अप्लाइंस या एक चीज़ ख़राब होती है तो बाकी चीज़ों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 60 पर आ जाएं, अपनी बुक पे बुक ओपन करें, पेज 60। करंट इन अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में करंट कैसे पास होता है, द करंट इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेज इन अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में हर जो पाथ से करंट एक जैसा नहीं गुजरेगा, दिस बिकॉज द करंट स्प्लिट एट द जंक्शन ऑफ द सर्किट। ये जंक्शन ऑफ द सर्किट है, ये जंक्शन ऑफ द सर्किट है, यहाँ करंट जो स्प्लिट हो जाएगा एक इस पाथ के लिए और दूसरा इस पाथ के लिए, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंट करंट कैन फ्लो इन पैरेलल पाथवे, दोनों जो पाथ है डिफरेंट करंट जो है वो फ्लो करेगा, देन दे ज्वाइन अप अगेन, तो वो दोबारा फिर ज्वाइन अप होने से पहले। अब द डायग्राम शोज अ पैरेलल सर्किट, ये डायग्राम देखें पैरेलल सर्किट शो किया, ये इसका करंट आ रहा है, बैटरी है। नोटिस दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 पैरेलल पाथ इज हाफ दैट फ्लोज थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। तो हाफ देखे ना, दोनों में एक एक बल्ब लग रहा है, तो हाफ हाफ जो है वो एक एक पाथ से करंट फ्लो कर जाएगी। यहाँ से करंट 0.4 एम्पेयर आ रहा है, 0.2 यहाँ, 0.2, लेकिन जब वो वापस सिंगल लाइन में आएंगे तो 0.4 पूरा हो जाएगा। अब डिड यू नो, देखें स्विचेस इन पैरेलल सर्किट कैन कंट्रोल द होल सर्किट। तो
पैरेलल में जो स्विचेस लगे होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा स्विच होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और जस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट इट डिपेंड्स वेयर दे आर प्लेस्ड इन द सर्किट, ये अनुपात के सर्किट में कहाँ। अब ये बेटा क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको लास्ट में दिए हुए हैं होमवर्क में। ये ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन, ये चीज़ें जो ड्रॉट वाली हैं, ये 3 और 4, ये आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये यहाँ पर गिवन है। अब ये आपका जो है वो होमवर्क में देख लें। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल में क्या है? सीरीज में एक बात होता है, पैरेलल में 2 होते हैं, वोल्टेज का और करंट का डिफरेंस होता है। इन अ सीरीज सर्किट द सम ऑफ द वोल्टेज कनेक्टेड बाय ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल। हर रेजिस्टेंस को, हर चीज़ को, जो अप्लाइंस को करंट मिलता है वो इक्वल मिलता है टू द सोर्स वोल्टेज। इन अ पैरेलल सर्किट में द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट इज द सेम, वोल्टेज सेम एंड द टोटल करंट इज इन द सेम ऑफ द करंट फ्लो थ्रू ईच अप्लाइंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 है, व्हाट हैपन टू द बल्ब इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज। पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब खराब हो जाए, बुझ जाए, तो दूसरे पर क्या क्या होगा? दूसरे के लिए अलग बात है, कंप्लीट सर्किट है तो दूसरा ग्लो करता ही रहेगा, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ टू बल्ब्स आर पावर्ड बाय अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के साथ अगर 2 बल्ब लगे हुए हों पैरेलल में, बिकॉज करंट कैन फ्लो इन मोर देन वन पाथ, तो एक से ज़्यादा पाथ है करंट को फ्लो करने के लिए। वन बल्ब ब्लोस आउट, एक अगर बुझ जाता है, द अदर विल गिव लाइट, तो दूसरा बल्ब जो है वो लाइट देगा, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो करंट आएगा, वो अनदर पाथ से आएगा, तो उसका भी फिर सर्किट जो है वो कम्प्लीट होगा। तो इसमें देखें कि अगर हम सीरीज़ में देखते हैं, तो सीरीज़ में अगर एक बल्ब बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है, तो पूरा जो सर्किट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है बाकी जो चीज़ें लगी हुई होंगी, बाकी बल्ब होंगे, वो भी ग्लो नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल में चूंकि पाथ ज़्यादा होते हैं, तो अगर एक पाथ में या एक बल्ब बुझ जाता है, तो दूसरे पाथ में लगा हुआ तो वो अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और वो फिर ग्लो करेगा। तो घरों में जो ज़्यादातर स्विचेस होते हैं, वायरिंग होती है, वो हमारी पैरेलल होती है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इनको बेटा अपने होमवर्क में भी करना है और लर्न भी करना है। जो डायग्राम वाले हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। 3 और 4 क्वेश्चंस हैं, वो बेटा डायग्राम में हैं, तो डायग्राम आपके सामने बुक पर गिवन है, तो वो इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर कम्प्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।